नमस्कार दोस्तों, मैं अनपेय जोशी फिर आपके बीच में एक एस्ट्रोलॉजी का न्यू टॉपिक लेकर। और आज का हमारा वीडियो होगा, ये बहुत टाइम बाद मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशंस करने में लग गया था थोड़ा बहुत। तो आज हमारा टॉपिक है रशियन वर्सेस यूक्रेन में फाइट, कब से युद्ध होगा, किस तारीख को होगा और किस तरीके से चीजें होंगी, इस वीडियो में मैं इसी की बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले लोगों के मेरे पे सवाल भी आ रहा था कि सर, मेरे पे व्हाट्सएप पे एक जने का मैसेज आया था, उन्होंने बोली थी सर भारत का युद्ध कब होगा, तो उसके ऊपर भी मेरी कैलकुलेशन चल रही है, मैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी बताने वाला हूँ। पर जो अभी मेन सिचुएशन अपनी चल रही है यूक्रेन और रशिया में, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बिना टाइम के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बता दूं, मैंने रशिया के प्रेसिडेंट की भी गुंडी देखी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की भी गुंडी देखी, गोचर गुंडी बनाई, उसके बारे में प्रेडिक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर दोनों देशों की कुंडली का पगड़ा भारी देखा जाए, यानी सबसे ज्यादा कौन सी पावरफुल कुंडली है, तो वो है रशिया के प्रेसिडेंट की। डेफिनेटली अच्छी कुंडली बनती है, अच्छे राजयोग भी है, पर कौन जीतेगा, किस तारीख से युद्ध होगा, सबसे पहले बता दूं, सिर्फ दो दिन रह गए हैं, 26 फरवरी। जैसे मंगल ट्रांजिट करता है, आप खुद देखना आने वाले न्यूज में युद्धों की, यानी यहां से युद्ध की एक स्टार्ट हुई है और थोड़ा खिंचेगा। और वैसे अगर देखा जाए तो जो फेवरेबल रहने वाला वो रशिया के उसमें ही है, यूक्रेन को थोड़ा सामना करना पड़ेगा, दिक्कत परेशानी उसको आने वाली है, 101% आएंगी। रशिया के अगेंस्ट अगर बात करें तो रशिया थोड़ा पावरफुल रहेगा हर चीज में उनकी, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अभी आने वाले टाइम में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी डेफिनेटली, चाहे यूक्रेन की इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम कर लें, वहां दिक्कत होने ही वाली है। और सबसे पहले बता दूं, जब ये मंगल गोचर करेगा, मकर में आएगा अभी, तो जो अपने रशिया के प्रेसिडेंट की कुंडली में ये अगर देखो तो उनका तुला लग्न बनता है, मेरे को जो गूगल से कुंडली प्रोवाइड हुई है तो उसके अनुसार देखू तो जो रशिया का जो हमारा लग्न है वो है तुला, ठीक है, तुला के वो फोर्थ हाउस में आ जाएगा और ऑलरेडी उधर राहु बैठा उनके लग्न कुंडली में, तो वहां से वो गोचर करते हुए भी जाएगा और पंच ग्रह योग भी बनने वाला उनके फोर्थ हाउस में। और अगर हम अपने यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी जो कुंडली में बनेगा वो बनेगा एट्थ हाउस में, तो आप खुद ही समझ सकते हैं फोर्थ हाउस में ये योग बन रहा है पंचग्रह योग। थोड़ा फ्लक्चुएशन जरूर देखना पड़ेगा रशिया को, प्रॉब्लम्स उसको भी आएंगी, पर अगर बात करें तो उनका असेंडेंट लॉर्ड भी थोड़ा वीक पड़ रहा है जिसके यूक्रेन का, जिस कारण उनको परेशानियां उठानी पड़ेगी गारंटी के साथ, ठीक है, उनके एट्थ हाउस में तो दिक्कतें। और हो सकता है कि यूक्रेन कोई बड़ी गलती भी करे इस समय, क्योंकि ये 10 फरवरी के बाद से उसका टाइम बहुत चेंज हुआ है, जो कि 2024 तक यूक्रेन के लिए एक नेगेटिव ही है आने वाले 2-3 साल, मेरे अनुसार ये मेरे को पता चलता है। रशिया के प्रेसिडेंट के लिए अच्छा है, समय कोई बुरा नहीं है, पर हाँ उसको अभी 1.5 साल 2 साल उसको भी थोड़ा बहुत परेशानी आएंगी, पर आने वाला टाइम रशिया के लिए भी बेस्ट है। तो दोस्तों, फाइट कब होगी, 26 फरवरी के बाद ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था, मैंने कोशिश करी आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।